Hello students. Now question is: In a single slit diffraction experiment, first minimum for a wavelength lambda one coincides with the first maximum of some other wavelength lambda two. Calculate lambda two. So in this case, you are using. वन वेव लेंथ हो आप लेमडा वन तो आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है और जब आप अनादर वेव लेंथ लेमडा टू यूज़ करते हैं तो उसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर फर्स्ट सेकेंडरी मैजमा मिल रहा है तो ये आपको फाइंड करना है स्लिट वीथ आपको निकालना है तो इसमें जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए ए साइन थीटा इक्वल लिमडा और ए और साइन थीटा इक्वल थीटा और थीटा के प्लेस पर वाई अपॉन डी लिख सकते हैं तो ए वाई अपॉन डी इज लेमडा तो वाई की वैल्यू आ गई मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम फॉर वेवलेंथ लेंथ लेमडा वन के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई वाई की और अगर मैं मेजमा के प्रिंसिपल से निकालू सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप वेब लेंथ लेमडा टू यूज़ कर रहे हैं तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मेजमा ए साइन थीटा थीटा के साइन थीटा के पे वाई अपॉन्ट डी हम लिख सकते हैं वाई अपॉन्ट डी ए साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू होता है फर्स्ट सेकेंडरी मेजमा तो उसमें इक्वल वन पुट करोगे तो फार फर्स्ट सेकेंडरी मैजमा के लिए थ्री बाई टू, टू आ गया इससे आपने वाई निकाला तो जब हम वाई निकालेंगे तो थ्री पॉइंट टू लेमडा टू डी बाई ए ये वाई आ गया तो दोनों के मैज ये आपने मेजमा के कंडीशन से वाई निकाला डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल टू फर्स्ट सेकेंडरी मेजमा और ये तुमने निकाला था वाई फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सेकेंडी मिनिमा दोनों कौन हैं सेम हैं तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो जब आप दोनों के इक्वेट करेंगे वाई लिमडा वन और इक्वल वाई लिमडा टू दोनों के इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन इनके रिजल्ट्स हैं आप यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए यूल फाइंड द ए दिस इज योर आंसर इससे आपको ए मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज